हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 29 और इस क्लास से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 10, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ना है आज, एक तो गवर्नमेंट बजट का मीनिंग कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, और गवर्नमेंट जब बजट तैयार करती है तो उस बजट को बनाने के पीछे गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। तो चलिए गवर्नमेंट बजट को समझने के लिए सबसे पहले हम बजट का मीनिंग समझते हैं, और बजट के मीनिंग को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा केस स्टडी लेते हैं एक फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि हर किसी की अपनी फैमिली होती है, तो जब मैं फैमिली वाला एक एग्जाम्पल यहाँ पर केस स्टडी आपके सामने डालूँगा तो आपको बजट का मतलब समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक फैमिली है, उस फैमिली में पेरेंट्स हैं, मतलब फादर हैं, मदर हैं, और उनके दो बेटे हैं। ठीक है, दो बेटे हैं, एक बेटा जो है वो अभी स्टडी कर रहा है, मान लीजिए वो 9th या 10th क्लास में है, और जो दूसरा बेटा है वो उसकी स्टडी पूरी हो चुकी है एंड ही इज़ सर्चिंग फॉर द जॉब, वो जॉब की तलाश कर रहा है, जॉब ढूंढ रहा है। अब जो फादर हैं, वो फादर क्या करते हैं, उनकी एक हैबिट है, वो हर महीने क्या करते हैं, जब अगला एक नया महीना आने वाला होता है, जैसे मान लीजिए कि 28th of March चल रहा है, 28 मार्च चल रहा है, और वो 1 अप्रैल की जब शुरुआत होगी, नए महीने की शुरुआत होगी, तो वो क्या करते हैं, उनकी हैबिट है कि हर नए महीने की शुरुआत से पहली तारीख से पहले 2-3 दिन पहले वो आगे आने वाले महीने की तैयारी पहले कर लेते हैं कि मुझे अपने फैमिली के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कितना पैसा खर्च करना है और मेरे पास कहाँ कहाँ से उस खर्चे के लिए पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। यहाँ पर मैं सेविंग की बात नहीं कर रहा कि उनके पास कितना पैसा पड़ा है उसमें से कितना खर्च करेंगे, मैं बात कर रहा हूँ कि वो क्या हैबिट लेके चलते हैं, जो फादर हैं वो ये हैबिट लेके चलते हैं कि मेरे पास जब महीने की शुरुआत होगी तो महीने की शुरुआत में मेरे पास कहाँ कहाँ से पैसा आएगा मेरी अर्निंग के थ्रू, और कितना पैसा मैं खर्च करूँगा। तो वो क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं अपनी इनकम्स की और अपने खर्चों की, ताकि उनकी फैमिली का वेलफेयर हो पाए, उनकी फैमिली के मेम्बर्स का वेलफेयर बना रहे, उनकी फैमिली के सारे खर्चे पूरे हो पाए, उनकी फैमिली अच्छे से रह पाए, उनका वेलफेयर हो पाए। तो इस पर्पज़ के लिए जो फादर हैं वो क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, और उस स्टेटमेंट में एक तरफ तो लिखते हैं वो सारी की सारी इनकम कि कहाँ कहाँ से पैसा आना है, बैंक से इंटरेस्ट आना है, कंपनी से सैलरी आनी है, या आपकी कोई आपने अपना बिल्डिंग रेंट पे दे रखी है वहाँ से रेंट आना है, तो वगैरह वगैरह सारे आप इनकम एक पेज पे लिख लेते हो, और उसके बिल्कुल राइट हैंड साइड में उसी तरफ आप एक उसी पेज पे लिखते हो खर्चे, और आप ये देखने की कोशिश करते हो कि मेरे पास अगले महीने कितना पैसा आना है रिसिप्ट की फॉर्म में और कितना पैसा जाना है एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। अगर आपका खर्चा आपकी इनकम से ज़्यादा होता है तो उसे हम बोलते हैं सरप्लस बजट। पहले आप बजट का मतलब समझ लीजिए। जब यहाँ पर फादर तैयारी कर रहे हैं अगले महीने की खर्चों को लेकर और रिसिप्ट्स को लेकर, कितना पैसा आना है और कितना पैसा जाना है, जब इस तरीके से वो स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं तो उसे हम बजट बोलते हैं। बजट जो है वो आपका एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है, फ्यूचर के लिए की जाने वाली एक प्लानिंग है। ठीक है, ताकि हम फ्यूचर में अपने अपने खर्चों को अपनी रिसिप्ट्स के हिसाब से पूरा कर पाएँ। तो यहाँ पर जब फादर ने वो स्टेटमेंट तैयार करी तो उन्होंने देखा कि मेरे खर्चे मेरी इनकम से ज़्यादा बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब जो वो बजट तैयार कर रहे हैं वो बजट उनका डेफिसिट में जा रहा है, डेफिसिट मतलब घाटे में जा रहा है, मतलब खर्चा ज़्यादा हो रहा है और इनकम कम दिखाई दे रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी इनकम ज़्यादा निकल के आ रही है, खर्चा कम निकल के आ रहा है, तो उसे हम बोलते हैं सरप्लस बजट। मतलब आपका बजट जो है वो सरप्लस में जा रहा है, मतलब आपके पास खर्चा पूरा करने के बाद पैसा बचेगा। ये बजट है, बजट जो है वो एक रियल एक्शन नहीं है, एक फ्यूचर की प्लानिंग है। अब फ्यूचर में हो सकता है कि कुछ भी आगे खर्चे जो आपने प्लानिंग की है उसका अपोजिट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो जब वो बजट तैयार करें तो बजट में भी हो सकता है कि आपके खर्चों की आपकी इनकम के बराबर आ जाए, या आपके खर्चे आपकी इनकम से ज़्यादा चले जाएँ, या आपकी जो खर्चे हैं वो इनकम से कम हो जाएँ। तो अगर खर्चे इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो आपका डेफिसिट बजट कहलाता है, और अगर आपकी इनकम खर्चों से ज़्यादा हो जाती है, इनकम ज़्यादा है खर्चे कम है, तो वो सरप्लस बजट कहलाता है। तो जिस तरीके से एक फादर अपनी फैमिली के मेंबर्स, अपने लिए और अपनी फैमिली के मेंबर्स के लिए एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं फ्यूचर में होने वाले खर्चों और इनकम को लेकर, तो वो बजट कहलाता है। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट की भी अपनी एक फैमिली होती है, और वो फैमिली होती है इकोनॉमी। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी गवर्नमेंट के लिए फैमिली होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट भी क्या करती है, बजट बनाती है। अब गवर्नमेंट जो इकोनॉमी में, हम जैसे आने वाले जितने भी लोग हैं, हम मान लीजिए हम गवर्नमेंट के फैमिली के मेंबर हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी इकोनॉमी के लिए, अपनी फैमिली के लिए बजट तैयार करती है।
अब उस बजट में गवर्नमेंट क्या करती है, अब वो देखिए, अब एक फैमिली में फादर जो बजट तैयार कर रहा है वो मंथली तैयार कर रहा है आगे आने वाले महीने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट जो बजट बनाती है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए बनाती है। लॉन्ग टर्म का मतलब मेरा यहाँ फैमिली के कंपैरिजन में है, लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं है कि 4 या 5 साल के लिए। फैमिली जो फैमिली वाला बजट है वो 1 या 2 महीने का बना लेगा फैमिली मेंबर, लेकिन जो गवर्नमेंट बजट बनाती है वो 1 साल का बनाती है, 12 महीने का, कि आगे आने वाले 12 महीने में कहाँ कहाँ से हमारे पास पैसा आना है और कहाँ कहाँ हमारा पैसा खर्च होना है। तो जब इस तरीके से गवर्नमेंट 12 महीने की एक एनुअल स्टेटमेंट बनाती है अपने खर्चों और इनकम को लेकर, तो वो कहलाता है गवर्नमेंट का बजट, और उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई एक ऐसी स्टेटमेंट जिस स्टेटमेंट में गवर्नमेंट अपने आगे आने वाले 12 महीनों की पहले से एस्टिमेशन लेकर चलती है कि कितना हमारे पास पैसा आना है और कितना पैसा खर्च होना है। वी आर टॉकिंग अबाउट एस्टिमेशन अमाउंट, नॉट एक्चुअल अमाउंट। जो हम आगे आने वाले ईयर में काम करने वाले हैं उसकी हम एक एस्टिमेशन लेकर चल रहे हैं, एक आइडिया लेकर चल रहे हैं, एक्चुअल फिगर लेकर नहीं चल रहे कि हाँ इतना ही खर्चा करना है और इतनी ही इनकम आएगी। वो डिपेंड करता है जब सिचुएशन अराइज होगी, जब एक्शन में आएगा प्लान, तो उस समय क्या सिचुएशन होगी वो उस समय देखी जाएगी, लेकिन तैयारी तो पहले थोड़ी बहुत करनी चाहिए ना। तो चलिए अब मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। एवरी गवर्नमेंट एम्स एट मैक्सिमाइजिंग द वेलफेयर ऑफ इट्स कंट्री। हर सरकार ये चाहती है, उनका एम होता है कि वो अपनी कंट्री के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर के लिए काम करें। वेलफेयर का मतलब आप समझ सकते हैं, वेलफेयर का मतलब यहाँ पर होता है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करे, लोगों को सड़कें दे, लोगों को फ्लाईओवर्स की हेल्प, लोगों को फ्लाईओवर्स प्रोवाइड कराए, ब्रिज हो गए आपके, फ्लाईओवर्स हो गए, रोड्स की सुविधाएं दें, ठीक है। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि तो जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो हमारी सर्विस इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, या फिर आपकी सर्विस इंडस्ट्री में टेलीकॉम ले लीजिए, ठीक है। सर्विस इंडस्ट्री में आपके आ जाते हैं जैसे आपके, हम एग्जांपल ले लेते हैं जैसे एयरलाइंस हो गई, और इसी तरीके से जो वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई, और आपकी जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ठीक है, डिस्पेंसरीज दवाइयों के लिए, तो ये सारी सुविधाएं गवर्नमेंट चाहती है, मेडिकल फैसिलिटीज़, तो ये सारी सुविधाएं गवर्नमेंट चाहती है अपने फैमिली के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए। तो हर कंट्री में सरकार यही चाहती है गवर्नमेंट की उसकी जो फैमिली है उसका वेलफेयर हो, उसकी इकोनॉमी का वेलफेयर मतलब फैमिली का वेलफेयर हो, और वेलफेयर मैक्सिमाइज हो, सभी लोगों को रोज़गार मिले, सभी की पर कैपिटा इनकम बढ़े, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, हर सरकार यही चाहती है अपनी फैमिली के लिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर पैसा खर्च करना है, या वेलफेयर एक्टिविटीज़ के ऊपर पैसा खर्च करना है, तो इन तीनों सेक्टर्स में जब गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी तो गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा चाहिए होता है खर्च करने के लिए। तो गवर्नमेंट उस पैसे को खर्च करने के लिए सबसे पहले प्रॉपर प्लानिंग करती है कि कहाँ कहाँ से पैसा आना है और उस पैसे को कैसे खर्च करना है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और पॉलिसी तैयार करती है। पहले तो प्लानिंग करती है कि कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ कहाँ खर्च होगा, फिर उसके बाद पॉलिसी तैयार करती है कि किस तरीके से, कैसे कैसे हमने पैसा आने, पैसा कहाँ कहाँ से लेना है और कैसे कैसे खर्च करना है। पहले प्लानिंग की जाती है, पेपर वर्क किया जाता है, फिर उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से उसको सक्सेसफुल बनाना है, कैसे उसको लागू करना है, वो पॉलिसी में आता है। तो प्लानिंग और पॉलिसी बनाती है अपने एक्सपेंडिचर को लेकर और अपने इनकम को लेकर। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, रिक्वायर ह्यूज मनी टू स्पेंड, सो दैट गवर्नमेंट रिक्वायर्स प्लानिंग एंड पॉलिसी। गवर्नमेंट क्या करती है, प्लानिंग पॉलिसी बनाती है किसके ऊपर, एक्सपेंडिचर और इनकम के ऊपर। इसके लिए एक्सपेंडिचर और इनकम के ऊपर जब गवर्नमेंट प्लानिंग करती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक एनुअल स्टेटमेंट बनाती है अपनी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को लेकर एस्टिमेटेड फॉर्म में, और उसे ही हम बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट जब अपने इकोनॉमी के लिए आगे आने वाले 1 साल के लिए खर्चों को लेकर और इनकम को लेकर जो स्टेटमेंट तैयार करती है उसे हम बजट बोलते हैं। अब यहाँ पर गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन दी हुई है, तो हमने हालांकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, समझ में भी आ गए, तो एक बार डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ एन एनुअल स्टेटमेंट, गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट होती है, शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स। आइटम वाइज दिखाया जाता है कि कहाँ कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में, कहाँ कहाँ हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में, कहाँ कहाँ हमने वेलफेयर में पैसा खर्च करना है, स्कूल्स में, हॉस्पिटल में, रेलवेज में, रोड्स में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में, या गवर्नमेंट की जो अपनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं वहाँ पर कितना पैसा खर्च करना है। तो सारे खर्चों को आइटम वाइज वहाँ पर शो करती है एनुअल स्टेटमेंट में, कहाँ कहाँ खर्च करना है और प्लस कहाँ कहाँ से हमारे पास कितना कितना पैसा आना है, कहाँ कहाँ से हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट आनी है, रेगुलर पैसा आना है, कहाँ कहाँ से हमने बोरोइंग्स करनी है, तो वो सारी डिटेल गवर्नमेंट क्या करती है उस एनुअल स्टेटमेंट में शो करती है। तो इट इज़ एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स मतलब एक अंदाज़ा लेके चलती है
एक आइडिया लेकर चलती है ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, कितना पैसा आना है, कितना खर्च करना है ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर का मतलब फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल से खर्चा करना शुरू करेगी और 1 अप्रैल से ही इनकम लेना शुरू करेगी, गवर्नमेंट पैसा लेना शुरू करेगी और 31 मार्च तक का बजट बनाती है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। तो बजट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स। गवर्नमेंट का जो बजट बनाया जाता है वो हर लेवल पर बनाया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी बजट बनाती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो भी बजट बनाती है, जो आपके चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो बजट तैयार करते हैं, इसी तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी बजट तैयार करता है, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा वो बजट तैयार करेगा, इसी तरीके से लोकल लेवल पर भी बजट बनाया जाता है। तो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स आर प्लान्ड। इसमें बजट में हम क्या करते हैं, जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स होती हैं हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं। बजट इज़ प्रेजेंटेड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुअरी ईच ईयर। हर साल के फेब्रुअरी का जो लास्ट वर्किंग डे होता है, लास्ट वर्किंग डे मतलब जो आपका शायद आपका 27 ऑफ फेब या 28 ऑफ फेब, जो भी वर्किंग डे होगा लास्ट फेब्रुअरी का लास्ट डे, उस दिन प्रेजिडेंट जो देश का राष्ट्रपति है वो डायरेक्ट करता है कि हाँ भाई अब अपना बजट पेश करो। तो उस दिन वो बजट पेश किया जाता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव के बारे में, कि गवर्नमेंट जब बजट तैयार करती है तो गवर्नमेंट के बजट बनाने के पीछे गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, किस वजह से गवर्नमेंट बजट को तैयार करना चाहती है। तो सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज एलोकेट कर रखे हैं, रिसोर्सेज एलोकेट का मतलब जो गवर्नमेंट ने इकोनॉमी में पॉलिसीज ऑलरेडी बना ली हैं, पॉलिसीज बना चुके हैं, चाहे वो टैक्स को लेकर हो, चाहे वो प्रोडक्शन को लेकर हो, जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई हैं उन पॉलिसीज को दोबारा से बदलाव करना, चेंजेस करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं टैक्सेस की, मान लीजिए गवर्नमेंट ने इन जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनकी एक्साइज ड्यूटी का रेट फिक्स कर रखा है कि इतना आपको अपने प्रोडक्शन के ऊपर एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। अगर ये हो गया आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कि आपने ये पॉलिसी बना रखी है एक्साइज ड्यूटी को लेकर या इनकम टैक्स को लेकर या कॉरपोरेट टैक्स को लेकर। तो मान लीजिए आपने अपने टैक्सेशन में कोई बदलाव किया है, तो जब हम कोई भी अपनी बनाई गई पॉलिसी में बदलाव करते हैं तो यहाँ पर उसका मतलब है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है, बजट के ज़रिए अपने जितने भी ऐसे रिसोर्सेज हैं जो जिनमें बदलाव की ज़रूरत है गवर्नमेंट अपने बजट में पहले से ही उनको मेंशन कर लेती है, उसे बोलते हैं री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे पहला है आपका, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक तो लिखा हुआ पर्पज़ कि री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन को री एलोकेट करने का पर्पज़ क्या है, मतलब जो हमारे रिसोर्सेज जो पहले से पॉलिसी बन चुकी हैं उनको चेंजेस करने का क्या पर्पज़ होता है। जैसे पहला मेथड पहले हम मेथड पढ़ लेते हैं कि रिसोर्सेज के एलोकेशन का मतलब क्या तरीका होता है, कैसे री एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को। पहला है जैसे मान लीजिए सब्सिडीज़ और टैक्स कंसेशन। मान लीजिए आपने ये प्लानिंग करी कि हमारे कंट्री में जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी हमारी कंट्री में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं और जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका हमारी कंट्री की इकनॉमी में बहुत बड़ा रोल है, एक तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और एक हैवी इंडस्ट्री, इन दोनों इंडस्ट्रीज़ के लिए हम क्या करेंगे, सब्सिडीज़ देंगे, इनको कंसेशन देंगे ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी डेवलप हो, कंट्री में जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो डेवलप हो, रीजनल जो आपका रीजनल इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, जो इनकम की इनइक्वालिटीज़ हैं, जो इनकम का आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो आपका बहुत इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो जाए, और दूसरा जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें पैसा लगाएं। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा जब पैसा लगाया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा, तो कंट्री की डेवलपमेंट होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, इसका ये होता है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब टैक्सेशन की पॉलिसी आपने चेंज कर दी। दूसरा है कि डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसका मतलब यह है कि कुछ प्राइवेट सेक्टर ऐसे होते हैं जो कोई इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं लेकिन उनसे इंडस्ट्री चल नहीं रही होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अगर प्राइवेट सेक्टर वो चीज़ नहीं बनाना चाहते तो गवर्नमेंट उन चीज़ों को बनाना शुरू कर देती है। अब जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम दे दिया लेकिन प्राइवेट सेक्टर से वो काम हो नहीं रहा, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को पेट्रोलियम का काम दे दिया लेकिन उनसे हो नहीं रहा, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जितने भी ऐसे सेक्टर्स जो प्राइवेट सेक्टर जिनको नहीं चला पा रहे हैं, गवर्नमेंट वो सेक्टर्स बंद ना करके अपने कंट्रोल में ले लेती है और खुद इन्हें चलाती है ताकि कंट्री की इकनॉमी बैलेंस रहे। कोई भी फैक्ट्री के बंद होने से आप सोचिए दो नुकसान होते हैं, एक तो कंट्री में आउटपुट जनरेट नहीं होता, लोगों की डिमांड पूरी नहीं हो पाती, और दूसरा जो एम्प्लॉयमेंट है वो गिरने शुरू हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमारे ये मेथड थे रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के, अब इनको रिसोर्सेज को रीएलोकेट करने के पीछे क्या पर्पज़ था।
पहला पर्पस गवर्नमेंट का पर्पस क्या है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का, कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जितने भी हमारे कंट्री में प्रोडक्टिव सेक्टर हैं जो प्रोडक्शन का काम करते हैं या जो कंट्री के नेशनल आउटपुट में नेशनल इनकम में रोल प्ले करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि अगर उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो वो कंट्री में अपनी इंडस्ट्री को चलाए रखेंगे बनाए रखेंगे और जिससे कंट्री की नेशनल इनकम बनती रहेगी, कंट्री की नेशनल इनकम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा सोशल सेक्टर, जो सोशल सेक्टर है जिसमें पब्लिक आती है उन पब्लिक्स का वेलफेयर होता रहे। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं या फिर अगर हम पेट्रोलियम की बात करें, मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर के हाथों में पेट्रोलियम का काम है और आपका इलेक्ट्रिसिटी का काम है, अगर प्राइवेट सेक्टर ने ये काम करना बंद कर दिया तो आप सोचिए कि अगर पेट्रोलियम की सुविधा नहीं मिलेगी या फिर आपको अगर सपोज़ करो इलेक्ट्रिसिटी की अगर फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो कितना आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों से आपका ट्रांसपोर्ट चलता है, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, हाउस होल्ड का काम चलता है। तो इसलिए सोशल सेक्टर में आपका पब्लिक का वेलफेयर हो और प्राइवेट सेक्टर में जो प्रोडक्टिव सेक्टर है उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज के लिए और पब्लिक वेलफेयर के लिए रिसोर्सेज को रीएलोकेट किया जाता है, जो पॉलिसी बनाई गई है उनमें बदलाव किया जाता है। अगला है आपका रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड वेल्थ। कंट्री में हम ये आमतौर पर देखते हैं कि एक सेक्टर ऐसा होता है, एक एरिया ऐसा होता है जिसमें लोग रिच होते हैं, एक होता है जो मिडिल क्लास होते हैं और एक होता है जो पुअर होता है। ये तभी हो पाता है जब इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अमीर ज़्यादा अमीर होता चला जाता है, गरीब गरीब रह जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट अपने हर बजट में ये कोशिश करती है कि कंट्री में जितना भी इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो बैलेंस हो जाए, ठीक है, हर सेक्टर के पास पैसा पहुँचे, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो चाहे वो मिडिल क्लास हो, पैसा हर किसी के पास सर्कुलेट होना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हमेशा अपने बजट में ये प्लानिंग करती है कि जो रिच क्लास पीपल हैं, जो इंडस्ट्रीज चलाते हैं, जो रिच क्लास लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके कमाए गए पैसे पे प्रोग्रेसिव टैक्स लगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनको टैक्स पे करना पड़े, और दूसरा जब उनके टैक्स से वो पैसा आए तो वो पैसा उन लोगों के ऊपर खर्च हो जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, जैसे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर इंडस्ट्री शुरू की जाएँ, या बैकवर्ड एरिया में जो लोग हैं उनको लोन की फैसिलिटी दी जाएँ, या उनको कोई रिसोर्स जनरेट कराए जाएँ जिन पर वो काम कर सकें, जिनसे उनका इनकम का सोर्स जनरेट हो सके, क्योंकि जब तक इनकम का सोर्स जनरेट नहीं होगा तब तक उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऊपर नहीं उठेगा। तो गवर्नमेंट कोशिश करती है हाई टैक्स इम्पोज करके रिच क्लास पे लोगों पर और वहाँ से कवर करके अपने बजट में प्लानिंग करती है कि वहाँ से जो पैसा आएगा वो बैकवर्ड एरियाज़ में, जो अंडर डेवलप्ड एरिया है वहाँ पर खर्च किया जाएगा। दूसरा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट हमेशा अपने बजट में ये प्लानिंग करके चलती है कि प्रिवेंट बिजनेस फ्लक्चुएशन ऑफ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, कि इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन पैदा होती है जिससे इकोनॉमी फ्लक्चुएट करती है वो फ्लक्चुएशन ना हो, और उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ये तैयारी करती है अपने बजट में कि अगर मान लीजिए कंट्री में गवर्नमेंट को लगता है कि आगे आने वाले एक साल में इन्फ्लेशन की सिचुएशन पैदा हो सकती है, तो गवर्नमेंट अपने बजट में बहुत सारे ऐसे खर्चे जो अगर गवर्नमेंट नहीं भी करेगी तो भी इकोनॉमी चल जाएगी, तो गवर्नमेंट उन खर्चों को इग्नोर कर देती है। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इस साल हमें और स्कूल्स नहीं खोलने चाहिए, इस साल हमें यहाँ पर फ्लाईओवर नहीं बनाना चाहिए, इस साल हमें इन चीज़ों पर खर्च नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आगे आने वाले एक साल में कंट्री में इन्फ्लेशन की सिचुएशन पैदा हो सकती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकती है, तो एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अपने खर्चों को कम कर देती है, अपने बजट में प्लानिंग कर लेती है कि हम इतने खर्चे अपने जो हमने प्लान कर रखे हैं वो नहीं करेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन की सिचुएशन पैदा होने वाली है। तो जब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कंट्री में इन्फ्लेशन की सिचुएशन होने वाली है तो गवर्नमेंट कोशिश करती है बजट को सरप्लस बनाने की। सरप्लस बजट कब बनता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि सरप्लस बजट तब बनता है जब गवर्नमेंट के खर्चे कम हो और इनकम ज़्यादा हो। तो गवर्नमेंट जब अपने खर्चे कम करेगी तो खर्चे कम ही होंगे, जब गवर्नमेंट खर्चे कम करने पर प्लान करेगी तो खर्चे कम ही होंगे, और इनकम को बचाने की कोशिश करेगी तो इनकम ज़्यादा होगी, तो ही वो सरप्लस बजट कहलाएगा। तो जब गवर्नमेंट की प्लानिंग सरप्लस बजट की होती है तो हम ये मान के चलते हैं कि सरप्लस बजट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट इस साल अपने खर्चे कम करेगी और अपने पैसों को बचाएगी। और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कंट्री में डिफ्लेशन की सिचुएशन हो सकती है, कि एग्रीगेट डिमांड कम हो सकती है, लोगों की कंजम्पशन की जो डिमांड है वो कम हो सकती है जिससे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ये प्लानिंग करती है कि हम डेफिसिट बजट तैयार करेंगे, हम अपने खर्चे बढ़ाएंगे, रिसोर्सेज बढ़ाएंगे ताकि कंट्री में लोगों की डिमांड बढ़े, लोगों की इनकम बढ़े, परचेजिंग पावर बढ़े। तो डिमांड बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड ऑटोमेटिक आपके इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंच जाएगी, मतलब डिफ्लेशन की सिचुएशन पैदा नहीं होगी। डिफ्लेशन का मतलब होता है जब कंट्री में लोगों की डिमांड कम होती है, कंजम्पशन जो पावर होती है वो कम होती है, जिससे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट
खड़ा हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, तो वो डिफ्लेशन कहलाता है। और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, डेफिसिट बजट का सहारा लेती है। डेफिसिट बजट का मतलब होता है जहाँ पर गवर्नमेंट अपने खर्चों के लिए ज़्यादा प्लानिंग कर रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करें अपनी इकोनॉमी में, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज में पैसा लगाएं जिससे कंट्री में लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े। अगला है इकोनॉमिक ग्रोथ। कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो कंट्री में कितनी सेविंग्स है और लोग अपनी सेविंग्स को क्या कर रहे हैं, लोग अपनी सेविंग्स को सेविंग्स बना कर रख रहे हैं या उसे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि लोग पैसा कितना सेव कर रहे हैं और कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर कंट्री में लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव कर रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च भी कर रहे हैं और साथ के साथ लोग पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, वो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत सही है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ये ध्यान रखती है इस बात के ऊपर कि कंट्री में जो रेट ऑफ़ सेविंग है वो क्या चल रहा है और रेट ऑफ़ इन्वेस्टमेंट है वो क्या चल रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने बजट में ये प्रोविज़न बना के चलती है कि मोबिलाइज सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टमेंट द पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट ये पहले से तैयारी करके चलती है, लोगों के लिए ऐसी प्लानिंग करके चलती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर में ऐसे रिसोर्स खड़े, गवर्नमेंट क्या करती है, प्लानिंग करती है कि हम ऐसे रिसोर्स खड़े करें, ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आएँ जिसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट करें, कंपनी भी इन्वेस्ट करे, लोग भी इन्वेस्ट करें, मतलब कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो। क्योंकि जितना ज़्यादा कंट्री में इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज़्यादा कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी और कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। जितना पैसा लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेव करके रखेंगे वो कंट्री के लिए बेनिफिशियल नहीं है। अगला है आपका रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़। जितना भी जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ है, मतलब जो क्षेत्रीय हम कहें डिफरेंसेस हैं कि भाई एक क्षेत्र का विकास हो रहा है और एक क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, एरिया वाइज डिस्क्रिमिनेशन है, वो रीजनल डिस्क्रिमिनेशन जो चलता है वो रिड्यूस हो। सो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, थ्रू टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, गवर्नमेंट क्या करती है अपनी टैक्सेशन पॉलिसी के जरिए और अपने एक्सपेंडिचर पॉलिसी के जरिए इनकरेजिंग सेटिंग अप ऑफ प्रोडक्शन यूनिट इन द इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि जितने भी हमारे बैकवर्ड एरिया या ऐसे एरियाज जो अंडर डेवलप्ड हैं, जहाँ पर लोगों के पास कमाने के साधन नहीं है, अर्निंग के सोर्स नहीं है, गवर्नमेंट चाहती है कि इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर खोली जाएँ। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है, टैक्सेशन पॉलिसी का सहारा लेती है। गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कंसेशन दिया जाए टैक्स में, अगर वो इंडस्ट्रीज़ अपनी बैकवर्ड एरिया में खोलेंगी। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक इंडस्ट्री को कहा कि आप इस एरिया में इंडस्ट्री लगाओ, इस बैकवर्ड एरिया में, हम आपको टैक्स फ्री कर देंगे, तो वो इंडस्ट्री खुशी खुशी से वहाँ इंडस्ट्री लगा लेगी और वहाँ पर इंडस्ट्री लगाने से वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, तो वहाँ का रीजनल बैलेंस मेंटेन हो जाएगा कि वहाँ के लोगों को भी कमाई का साधन मिल जाएगा। और गवर्नमेंट क्या करती है अपने एक्सपेंडिचर के जरिए, अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री अगर बैकवर्ड एरिया में नहीं जा रही तो गवर्नमेंट वहाँ पर अपनी यूनिट स्टार्ट कर लेती है, गवर्नमेंट वहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेती है, कोई ना कोई वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप कर देती है अपने काम के लिए। तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर पॉलिसी के जरिए और टैक्सेशन पॉलिसी के जरिए कोशिश करती है कि जितना भी रीजनल डिस्पैरिटीज़ है, रीजनल इम्बैलेंस है, रीजनल डिस्क्रिमिनेशन है, वो डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाए और रीजनल बैलेंस्ड मेंटेन हो जाए, हर क्षेत्र का विकास हो। तो ये गवर्नमेंट के बजट बनाने के पीछे गवर्नमेंट के ये ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हमने डिस्कस करे। तो ये था आज का आपका टॉपिक क्लास नंबर 29, गवर्नमेंट बजट का मीनिंग और गवर्नमेंट के बजट बनाने के पीछे गवर्नमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।